उन एक एंटी मलेरियल ड्रग है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब हम पेशेंट को प्राइमाक्यून देते हैं तो यह है, रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का फॉर्मेशन करती है अब यह रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन स्पेसीज पेरासाइट के माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को डैमेज करता है साथ ही साथ डीएनए को डैमेज करता है लिपिड मेम्ब्रेन को डैमेज करता है जिससे पेरासाइट डाई हो जाता है अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्राइमा प्राइम के लिए कि यदि हमने पोअरली दिया है, है? Joint, को किल करने के तो ब्लड तो साइजोन को, को अब यदि हम प्रीथोसाइटिक साइजोन जो लीवर में होता है उसे उसको देखें तो यह हर स्पीसीज के किल कर देता है इराइथोसाइटिक साइजोन को यदि हम एक्सो इराथोसाइटिक साइजोन की बात करें जो कि किसमें होता है ओवेल और बाइवेक्स में तो यह किल कर देता है तो हिप्नोजोइ को किल कर देता है यदि गेमिट्स की बात करें तो हर स्पेसिज के गेमिट को किल कर देता है यह क्लोरोक्न और क्यूनिन जैसा नहीं है जो केवल बाइवेक्स के गेमिट को किल करते हैं अब यदि हमने बाइवेक्स प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और ओवेल में इराइथोसाइटिक साइजोनटी साइट के साथ प्राइमाक्यून दिया है तो क्यों दिया कि क्योंकि वह रेडिकल क्योर करता है और गेमिट को किल करता है यदि हमने प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई के इराथोसाइटिक साइजोन्टीसाइट ड्रग के साथ प्राइमाक्यून दिया है तो क्यों दिया है वह गेमिट को किल करेगा वहाँ हिप्नोजोट होते ही नहीं अब एडवर्स इफेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं तो एडवर्स इफेक्ट हैं जनरल जैसे एब्डोमिनल पेन जीआई अपसेट अनइजीनेस इन चेस्ट अब यह ह्यूमोलाइसिस करता है किन में जी सिक्स पीडी डेफिशियंट पेशेंट में यह मेथेमोग्लोबिनिमिया करता है किन में जी सिक्स पीडी डेफिशियंट पेशेंट में यह ट्रेकिपनिया करता है ट्रेकि इरेगुलर एबनॉर्मल रैपिड ब्रीदिंग साइनोसिस करता है अब है कॉन्ट्राइंडिकेशन प्राइमक्यून प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडेटेड है जी सिक्स पीडी डेफिशियं में कॉन्ट्राइंडेटेड है और चिल्ड्रन बिलो वन ईयर एज कॉन्ट्राइंडेटेड है Thank you.